कभी नाम नहीं लिया मेरे सास ससुर ने, हमेशा दुल्हन कहा। नहीं अब या फिर ये होता था जैसे मेरी ससुराल में शमीम की दुल्हन, शकील की दुल्हन, इस तरह से नाम लेते थे कि अगर डिवाइड करना हो। मैं तो आखिर तक यही कहती थी, सुनिए बात सुने आप ये कह कर लीजिए हमारे मियाँ, तो मेरे भाई कहते थे कितने मियाँ। नाम लेने का तो नहीं था, नाम तो नहीं लिया था। जी जी सुनिए जी सुनिए, हमारे मियाँ मुन्ने के अब्बा, आजकल तो जैसे और अब्बा भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ये कि अब तो खैर नाम लेते हैं लोग। और ये होता था ना पहले एज डिफरेंस होता था, मतलब जैसे मेरे अम्मी अब्बू की एज में 12 साल का डिफरेंस था, पहले एज डिफरेंस होता था। अब तो ये कि बराबर की शादियाँ होती हैं, एक साथ मेरे मियाँ भी मुझसे 6 साल बड़े थे, तो बड़े होते ना तो रिस्पेक्ट डिफरेंट होती है, चाहे कितना भी कुछ हो। बिल्कुल नहीं शर्माती थी। फिर दूसरी एक चीज़ है कि एक होता है ना कि आपको अगर कोई कुछ बता रहा है तो सुनती थी हमसे, अगर को हमारी सास हमें कोई चीज़ गाइड करती थी तो हम सुनते थे कि नहीं यार बड़ी है इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, ये अगर कह रही हैं तो सही होगा। आज तो बस गूगल अंकल गूगल जो है वही बादशाह हैं, वो सब बता देते। बस अब अच्छा उसके बाद फिर जब खुशी की खबर सुनने को मिलती थी तो गोद भराई की एक रस्म होती थी। गोद भराई हमारे यहाँ तो खैर मैंने बहुत कम अटेंड की है, लेकिन गोद भराई की रस्म एक होती थी कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तो मेवा और ये सब मिठाई और ये सब उसकी, और फिर गोद भराई की रस्म करा के उसको फिर अपने घर ले जाते हैं। मैके पहला बच्चा मैके में होता है। हाँ जी जी, लेकिन पहले जब खुशी की खबर है चाहे वो उल्टियाँ बदहजमी से हो, भाई शादी हो गई, अब शादी के बाद नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, दावतें होती थी बेइंतहा दावतें, कभी खाला कभी फुफ्फी कभी मामू। उसके बाद फिर एक टाइम आता था कि जब अगर लड़की को कभी कोई नौजिया हो गया या वॉमिटिंग हो गई चाहे वो बदहजमी से हुई हो, बस खुशी की लहर दौड़ गई, भाई अब तो हमारी बहू भी पाव भारी हो गया। एक जो एक लफ्ज बड़े बूढ़े कहते थे, अब इसको तो भाई हट्टा खाना है और इसका पाव भारी हो गया, तो एहतियात से बैठे एहतियात से उठते हैं। खैर फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह, उस जमाने में इतने बड़े बड़े टेस्ट होते नहीं थे ना, अल्ट्रासाउंड और ये सब चीज़ें, तो बस पता चलता था कि भाई एक दो महीने के बाद ये प्रेगनेंट है, तो फिर सुकून से खैर बड़ा कोऑपरेट करते थे। पहले ज़माने में चूंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे तो लोग एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव थे, तो लड़की को इतना मसला नहीं होता था। फिर 7 महीने की प्रेगनेंसी में वो फिर उसकी गोद भराई की रस्म होती है, क्योंकि पहला बच्चा मैके में होता है तो वो गोद भरवा के फिर लेके चले जाते हैं उसको मैके, फिर वहाँ से जब बच्चा होता है फिर वो 1.25 महीना गुजार के बच्चा लेके आते हैं। ये मैं आपसे कह रही हूँ, आज भी मैं ये बात कहती हूँ कि इन चीज़ों को जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाई कि मगरिब के वक्त घर में आ जाओ, मगरिब से पहले पहले, मगरिब के बाद बाहर नहीं जाओ, छतों पे ऐसे नहीं फिरो, और मतलब बाहर इस तरह से नहीं निकलो, बाल खोल के नहीं जाओ, ये सब चीज़ें मैं समझती हूँ कि ये आज भी हमें करना चाहिए, जिसपे कि मेरा ख्याल है कि बच्चे कम कान धरते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो पुराने लोगों की बातें उनमें सदाकत है, तो एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब आपका ऐसा सिलसिला शुरू हो तो आप खाने पीने की भी एहतियात करें, क्योंकि आप एक और ज़िंदगी को पाल रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, और घर वालों को भी चाहिए, शौहर को चाहिए, सास को चाहिए, नंदों को चाहिए, सब लोग उसका उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि उसके अंदर एक और शख्स पल रहा है ना। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ लड़कियाँ भी आजकल की, खैर लड़कियाँ बड़ी पढ़ी लिखी समझदार हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा बड़े बूढ़ों की बातों को ना तवज्जो दें, तो मेरा ये ख्याल है कि आगे ज़िंदगी में कितने मसाइल ना हो जो आज ज़िंदगी में मसाइल फेस करते हैं लोग। अब देखिए मेहमान की आमद है, फिर डिलीवरी का टाइम आ गया, तो ये तो होता नहीं था कि भाई लड़का हो या लड़की, पहला बच्चा लम्या सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जच्चा और बच्चा दोनों को सही रखे, तो एक तो ये एक चीज़ थी। दूसरे ये कि जहर नाम दादा रखेंगे दादी रखेंगे, तो अजान देते थे बच्चों का, कौन देगा, तो भाई अगर दादा हैं तो दादा देंगे, नाना है तो नाना देंगे, जो बड़ा होगा, नहीं तो अगर नहीं भी कोई है बच्चे बाहर हैं तो वहाँ खुद अजान दे, बच्चे के कान में अजान देना। फिर उसके बाद बच्चा घर आ गया, हाँ और घुट्टी कौन पिलाएगा, जो घुट्टी पिलाएगा वो बच्चा वैसा ही होगा, तो वो घुट्टी क्या होती है, वो घुट्टी एक कोई चीज़ होती थी, हम कब कुछ लोग शहद चटाते हैं, कुछ
शहद भी चटा देते हैं और कुछ वो गुट्टी का कोई ट्यूब आता है वो गुट्टी पिलाना, गुट्टी चटाते थे बच्चे को ताकि उसका पेट साफ हो जाए, वो गुट्टी इसलिए पिलाई जाती है। और उसके बाद फिर अकीके की रस्म होती है, सर मुंडाया जाता है, फिर वो उसमें हमारी अम्मी, मुझे याद है अकीका होता था तो वो एक आटे की वो लेके लोई और उसको पूरे सर में जितने रुएं होते थे ना वो सब साफ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये पेट के बाल जो हैं ये हल्के होते हैं, ये बात बहुत सुनने को मिलती थी। हाँ, लड़के के लिए दो बकरे होते थे और लड़की के लिए एक बकरी या बकरा जो भी है। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अकीके की रस्म जो होती है अकीके में। फिर वही होता था कहीं से अगर किसी उन लोगों को पता चल गया ट्रांसजेंडर वालों को तो वो आ जाते थे गाना गाने, मेरी भतीजी के अकीके में आ गए थे, दादी अम्मा को मुबारक हो पोती, वो शुरू हो गए सब ना आके, तो वो भी एक फन था और ये बहुत अच्छा ट्रेंड था, वो बड़े देसी ट्रेंड थे और मज़ेदार जिंदगी होती, हर चीज़ एक तकरीब होती। आप ये देखें ना खुशियों को सेलिब्रेट, हर खुशी एक सेलिब्रेशन होती और बड़ी अच्छी तरह सब लोग खुशी खुशी करते थे। अकीके का बाकायदा खाना होता था, आपने नाम रखा बच्चे का, फिर उसका अकीका, उसका सब मतलब प्रॉपर ये सारी रसूमात थी। अब तो पैदा होने से पहले ही नाम हम सब रख जाते हैं। अपनी इन सारी बातों को जो मैंने अभी इतनी की, सारी खुशियों से रिलेटेड है, इनको मैं कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले इतनी इतनी सी भी खुशियाँ होती थी, छोटी छोटी सी भी, उनको सेलिब्रेट किया जाता था और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता था कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी। आज इतनी बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं और इतना कुछ है लोगों के पास, लेकिन शुक्र कोई नहीं अदा करता, सब परेशान है। तो इसका मतलब ये कि हमारी जिंदगियों में जो हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, उसमें खुशियों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, शुक्र का फुकदान है। तो इसलिए हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी खुशियों को एंजॉय करें।